जब 4 महीना भाई थी शादी में, पता नहीं है बिटिया हमें कुछ। आपने पहली बार उनकी लाश देखी? हाँ, तो हमें आना जाना तिमाही पति है, बाबा और मेरा पापा और अंकल तीनों लोग मारे गए और 3 लोग बाहरी मारे गए। एफआईआर करने के बाद आज भी मुकदमा लड़ रहा हूँ और लड़ता जाऊंगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी। गुस्सा तो ऐसी है कि सामने पड़ जाए तो चुटिया में लग के खून पी सकता। भीमई हत्याकांड का फैसला 39 साल बाद आने वाला है। ये वो जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे 20 लोगों को फूलन देवी ने मार दिया था। गाँव के लोगों में इस घटना को लेकर कितना रोष है, 39 साल तक उन परिवारों ने लगातार गवाहियाँ दी हैं। 39 साल तक पूरा गांव, जिनके परिवारजन इस घटना में मारे गए थे, वो परेशान रहे हैं, उनमें कई तरह का गुस्सा है। यहाँ से लगाए के यहाँ तक लाश है सब पड़ी, वहाँ से लगाए के यहाँ तक ये स्मारक बनवाई गई। उधर दीवार थी बड़ी और इधर भी गहराई थी, इस तरफ से ऊंचे से और नीचे सब मार। तब घर नहीं बने थे? तब घर नहीं बने ना, थे ना, तब ये जंगल था, तब जंगल तो ना था लेकिन घर नहीं बने। तो उसने कैसे मतलब सबको लाइन में खड़ा करा के कैसे? लाइन में कहा ऐसी गुंड बनो ठाड़ो, तो जैसे से हम तुम सब जने ठाड़े। बोले काली माई की जय, एकदम जड़ा जड़ जड़ा जड़ जड़ा जड़। मेरी बहन थी करीब 2-3 महीने की, तो उसको झूला में लेटी थी, झूला में तो उसको बदमाशों ने झूले से फेंक दिया था, वो विकलांग हो गई थी, तो 2008 में एक्सपायर हो गई थी। बदमाशों देखते हैं तो थोड़ा जुनून आ जाता है शरीर में कि ये बदमाश आप पहली बार तो दिखते नहीं हैं, अगर देख भी लेंगे तो ऐसा नहीं है कि गांव में भला उसको बचने नहीं देंगे। डिस्ट्रिक्ट जालौन से नाव के द्वारा गैंग उतर के 50-55 आदमी थे, गांव में घुस गए, लूट पूट के सबके पकड़ ले गए। पकड़ के वहीं जहाँ शहीद स्मारक बना था वहाँ इनने गोलियाँ चलाए वो शुरू करी। मान सिंह और फूलन ने पहले गोली मारी, बाकी सब गैंग के लोगों ने समय गोली चलाई, 20 आदमी भूज गए। मैं देखता रहा छिपा छिपा। आप कहाँ पे थे घटना के वक्त? झाड़ थी, झाड़ झाड़ में बैठे थे, वहीं से 100 गज की दूरी पे, बहुत बड़ी झाड़ थी, नहीं तो मुझे भी मार देते हो। दहशत घुसी रहती थी अंदर कि फिर ना आ जाए दोबारा, कहीं फिर वार ना कर दें, क्योंकि कुछ लोग फरार भी थे उसमें, वो आज भी फरार हैं और 1-2 लोग पकड़े जा चुके हैं, 2 अंदर हैं जेल में, 1 आदमी बाकी और तो फरार हैं, और तो डर तो आज भी है हमको। एक मान सिंह यादव करके है, उसको तो पुलिस 7 दिन तक पकड़ भी नहीं पाई, वो तो फरार है, घूम रहा है। आप कितने साल की थी जब ये घटना हुई? 11 साल की, 13 साल के मैं पति अति पढ़न गए थे, जब 4 महीना भाई थी शादी में, और अब ऐसे देखो सी है यहाँ गए, हम तो यूँ जानते को लड़का, हम कहते जन को लड़का है, हम कहते देखते ही कैसे गोली लगी है, जन को लड़का है ना, हमने या देखा काला है के गोरे हैं कि कैसे हैं, पता नहीं है बिटिया हमें कुछ। आपने पहली बार उनकी लाश देखी? हाँ, तो हमें आना जाना तिमाही पति है। अब तीन आदमी घर की मरे बिटिया, 3 बाहर की मरे, और ये लड़की हमारी बड़ी वाली 6 साल की थी, और ये आती 3 साल की है सुनीता, और एक और आती 1.5 साल की, इसकी मम्मी, हाँ, और एक छोटी गोद में आती 9 महीना ही हो एक आई थी, ऐसी बस लिद पिद आती को ना, तो हम तो हार में थे, 4 के गए थे घर मार डारू 4 बजे सबके, हमें तो मट्टी मिली सब। पेंशन इंसन कुछ मिली आपको? कोई ना चीज ना बिटिया, पेंशन ना बिटियन को कुछ हूँ का उन कुछ हमाओ नहीं देखो, मैं भाई जिंदगी ऐसी रोए रोए काटी। अब सरकार कितनी भगी भगी पे रही, सरकार ने यहाँ नहीं सोची है सरकार की, अगर कोई घटना भेजे तो इतो तहु आदमी देते हैं जो उनके जो परवस्ती हमारी भेजे हैं, जब कुछ नहीं है हमारे पास ना कुछ करो हमारे सरकार ने, फिर से नहीं बनाए देते को कातों के बाद ही फिर से। उनको सजा होने की भी बात हो रही है कि उनको सजा भी होगी? कहे बेटा उन्हें सजा भेजे खूब भेजे, हमें कल लेने देना, हमें कब मिल रहा हो कुछ में मिल रहा हो है, और ना आ जाए तो नहीं मिल रहा हो है, जिंदगी तो बर्बाद है ही, इतने साल होगी मैं कब मिलोगे।
हमें सरकार से का दिवा फूलन की मरे कितने के नो हमें का दिवा दो सरकार ने का दिवा दो हाँ कि हमारी सुनाई करी पकड़ो मैया दिन का पकड़ाओ तुम हम जाने तुम सेवा थी मैया दिन एक एक बात बता दी झूठी डकैती पड़ी। डाकू बनने के बाद गांव के लोगों का क्या नजरिया बदला फूलन को लेके? डाकू बनने के बाद तो गांव भर परेशान हो गए। जब वो सांसद बनी है तब पूरी राहत की सांस मिली थी, आती थी तो बांट जाती कम्बल अम्बल, ये हमारा गांव तो यह खंडहर समझो। डाकू जीवन में जब पुलिस आओ थी सब एक लगा मारू चालू कर देती, बताओ फूलन कहाँ है, बताओ फूलन कहाँ है। जो ना तो फोटो खींच के चाहो जा लेना देना कुछ, आज हमारे शरीर पे कुछ कर देते तो हम यहाँ कहते आज मैं कर दाऊँ, हमें रहने के लाने कर दाऊँ। कोई मुआवजा नहीं, कोई पेंशन नहीं, आजकल कोई मर जाता है, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है तो दो लाख रुपए ढाई लाख रुपए सरकार देती है, आश्रितों को नौकरी देती है। आजकल तो ये कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को, ना आश्रित को कुछ मिला, ना विधवाओं को कुछ मिला, ना हमारी माताएं का, हमारी माताएं थोड़ी ना है, काफ़ी हमारा 13 लोग हैं गाँव में, कुछ लोग एक्सपायर भी हो गए, तो एक रुपया नहीं मिला किसी सरकार से। जब से मारे गए फिर वो लोग यहाँ जैसे आप लोग या पुलिस वाले आए हैं, उन लोगों ने जो हम लोगों ने बात बताई है कि फलाने फलाने मुलजिम थे, उन्होंने नोट कर लिए, लेकिन यहाँ की वो ना स्थिति करके उनने कहीं जैसे सरकार पिछली रही मुलायम सिंह की या मायावती की, उन लोगों ने सांसद बनाकर इनको चुन दिया फूलन देवी को। जब सांसद बनाकर उनको चुन दिया तब यहाँ को हमको हमारे गांव वाले उनको गलत महसूस हुआ कि ये तो बहुत बहुत गलत बात है। हम गवाह में भी रहे, आप गवाह भी रहे, हमने उनकी शनाख्त भी की। अच्छा। हाँ, हर रुपए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, किसी ने सुनाई नहीं करी। हमारे यहाँ जब से 39 साल से चौकी लगी हुई है, कोई यहाँ जो है एक जो है कलम नहीं चली है, गलत काम नहीं है किसी के पास, न नंबर 8 का आदमी, न कोई FRI है यहाँ से। कुल मिला के अदालत हमें न्याय दे दे, जैसे मान सिंह है तो वो फरार घोषित हालत में जो है फिर रहे हैं, उनको पकड़ के जो है सजा की जाए। हम तो बड़ी आशा लगाएं कि जो है भाई न्याय मिल जाए, देखो कब अदालत दे रही न्याय। FIR महीने करवाया था, कोई दूसरा था ही नहीं। FIR करने के बाद आज भी मुकदमा लड़ रहा हूँ और लड़ता जाऊंगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिली। हमें तो ये है कोर्ट तो भगवान की वो होता है, ये कोर्ट और भगवान तो बराबर होता है, अब जो कोर्ट करेगा वही होगा। फिर बीती तो भोग ही लो हमने, अब जैसो सरकार के सूझ पर हम तो या काज जैसी हमारे आदमी के मारू खूब उनके फांसी हो गई।